एक बार फिर कांग्रेस ने गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट का 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वैसे गुना संसदीय क्षेत्र पर हमेशा से सिंधिया परिवार का वर्चस्व रहा है। 1957 में जब से गुना संसदीय सीट अस्तित्व में आई, तब से सिर्फ एक चुनाव ऐसा रहा है जिसमें जीतने वाला प्रत्याशी ना तो इस परिवार का था और ना ही इस खेमे का। 1957 से हुए कुल 14 चुनाव और उपचुनाव में से 12 में सिंधिया परिवार के 3 सदस्यों में से ही कोई ना कोई जीतता रहा। 1957 में हुए पहले चुनाव में विजयराजे सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर जीती थी। तब से 2 मौके ही ऐसे आए जब इस सीट पर गैर सिंधिया परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव जीता। इनमें एक राम सहाय शिव प्रसाद पांडे थे जो 1962 में कांग्रेस की टिकट पर जीते। वो मुंबई से ताल्लुक रखते थे। दरअसल वो गुना सीट के एकमात्र सांसद रहे जो ना तो सिंधिया परिवार के थे और ना ही उनके खेमे से। इसके बाद 1984 में महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जीते जो सिंधिया परिवार के सबसे विश्वस्त नेताओं में थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार अपने पिता माधवराव सिंधिया के निधन के बाद 2002 के उपचुनाव में राजनीति में उतरे। तब उन्होंने 4 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। हालांकि 2004 के आम चुनाव में वो फिर से जीते, लेकिन सिर्फ 80,000 वोट से। इसके बाद 2008 और 2014 में उन्होंने फिर ये सीट जीती। दूसरी ओर उनके खिलाफ अब तक 4 चुनाव में बीजेपी हर बार कोई ना कोई नया चेहरा आजमाती रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी सिंधिया के इस गढ़ में जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।